प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च, छात्रों ने जमकर मुर्दाबाद के लगाए नारे। कमेटी में प्रांतीय अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। कुशीनगर में मोदी सरकार ने अंतिम बजट पेश किया, कुशीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ने की हुई घोषणा। सुल्तानपुर में रेलवे कर्मचारियों का प्रदर्शन, पेंशन बहाली के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान। वर्ल्ड कप में इंडिया की लेडी गांगुली ने जिताया मैच, कैरियर बेस्ट पारी में मघाना ने जगाए चौके, छक्के 37 रन बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर लखनऊ से, जहां बोर्ड परीक्षा के माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण कर बताया कि पहले की अपेक्षा इस बार बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रत्येक जिले में और जिले के प्रत्येक विद्यालय में हमने देखा है, सब एकदम अच्छी व्यवस्था है। यहाँ तक की व्यवस्था है कि अगर बच्चे आपस में भी बात करेंगे, वो भी इनके कानों में ऐसे यंत्र लगे हुए हैं कि वो पता लग जाएगी कौन बच्चा क्या। बहुत पारदर्शी व्यवस्था है जिसमें कोई बच्चा नकल कर नहीं सकता। मैम पहले की बतौर इस बार क्या कुछ बेहतर व्यवस्था की गई है? देखो, इस बार हमारे पहले की अपेक्षा 6 लाख से अधिक हमारे विद्यार्थी बैठे हैं परीक्षा में, 6 लाख से अधिक। इसमें इस बार हमारे बैठे हैं 58,65,745 अमेठी में प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ मुकदमे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि सरकार ने बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के फ्लाइट को उतरने नहीं दिया। विगत दिनों प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने विरोध किया, जिसकी खबर मिलते ही पूर्वांचल में कांग्रेस पार्टी नेता ने आग लगाई, जिससे लेकर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। दिनों में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी प्रयागराज आना था, उनको एक मीटिंग थी जिसमें वो बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरना था। पहले से कार्यक्रम तय था, लेकिन आयन वक्त पर सरकार द्वारा, वहाँ के निदेशक द्वारा उनको वहाँ पे उतरने नहीं दिया, जिसको लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी ने उनसे सवाल जवाब किया, उनसे पूछा, तब उन्होंने उन पे फर्जी मुकदमे लगा दिए गए। सुल्तानपुर में रेलवे कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। ये धरना प्रदर्शन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर किया गया। शाखा प्रबंधक सुरेश चंद द्विवेदी ने बताया कि कुछ दिन पहले नई दिल्ली में मीटिंग हुई थी, इसमें 37 फाउंडेशन के मंत्री और अध्यक्ष शामिल हुए थे। एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया था, जिसके सह संयोजक ऑल इंडिया रेलवे मुख्य फाउंडेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा हैं। उसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें 10 फरवरी से 20 फरवरी तक पुरानी पेंशन बहाली हेतु एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। श्रावस्ती में एक ऐसा रोमियो है जो सोशल मीडिया पर नाम बदलकर अमीर घराने की लड़कियों को फंसाता है, फिर धर्म परिवर्तन कर उनसे निकाह करता है और फिर उनसे माल ऐंठने के बाद गायब हो जाता है। पीड़िताओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, पुलिस भी न्याय के नाम पर बस चक्कर ही कटवा रही है। आपको बता दें कि खुर्शीद नाम का यह शख्स अब तक 3 शादियां कर चुका है, लेकिन इसके सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीड़िता को पुलिस के द्वारा न्याय क्यों नहीं दिलाया जा सका। लड़के से मतलब मुलाकात हुई थी फेसबुक के जरिए, काफी दिन से बातचीत हो रही थी, तो हमें ड्राइवर की जरूरत थी, तो उसे हमने बुलाया था चेन्नई। तो लॉकडाउन के दौरान वो मुझे, हमें पूरे फैमिली के साथ मुझे झारखंड छोड़ लिया।
उसके बाद वो मुझे यहाँ ले आया कि मैं कैसे जाऊँगा, वाहन की जरूरत है, तो मैं उसके साथ ले आई। उन्होंने कहा था कि काफ़ी पास में हमारा घर है, तो मैं उसके भरोसा करके आ गई उसके साथ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद में उसने मुझसे शादी किया, धर्म परिवर्तन करवाया, जबकि मैं ईसाई धर्म से हूँ। और यहाँ पे मैं मतलब बाद में पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है, तो मैंने कंप्लेंट भी किया, काफी कुछ हुआ। लेकिन कौन सा धर्म आपको परिवर्तन कराया? जी मुस्लिम। जी इस धर्म की हैं आप? मैं ईसाई धर्म की हूँ। क्या नाम है आपका? पूनम कुजूर। नहीं फिर मुस्लिम धर्म आप उसमें परवीन बानो रखा गया मेरा। सूबे की सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करती है, और जब ये दावे फेल हो जाएं तो कैसा लगेगा। एक ऐसा ही मामला सामने आया है रायबरेली से, जहां ससुराल से पीड़ित एक विकलांग महिला अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय की चौखट पर जा पहुंची। पीड़िता ने बताया कि महिला से उसके ससुराली जन मारपीट करते हैं, इसके साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस से की है, पर कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं की गई। मार धमकी देते के उस बोल दे थे तो हमका गलत समझा, कहीं कतो आ जाओ ना, अगर हम जाब ना तो हमार के करे, अगर जाए थे तो पंच कहीं के गलत काम करत। कौन कौन लोग हैं? हमारे देवर हैं दोनों, और टोला के हैं सब लोग। क्या कहते हैं? कहते हैं कि किसी से बोलती हो तो उनको रखती हो, उन्हीं के घर पे जाके रो जाए। सुबह 100 नंबर बुलाए तो पुलिस आई, वो बोले क्या हुआ तो बताएं सब बात, तो वो बोले अगर ऐसा ही मैटर है तो शादी कर लो। हम कहें क्यों शादी करें, हमारे पास दो बच्चे हैं तो हम शादी नहीं करेंगे। पति कहाँ हैं आपके? हमारे हस्बैंड खत्म हो गए। हस्बैंड खत्म हो गए? हाँ। यानी आप किसी से बात करती हैं क्या? दो बार नहीं, हम अब हम इस तरह हैं तो खेत बारी है तो कोई दिक्कत फंसेगी तो बोलेंगे। रायबरेली में घर में घुसकर महिला के साथ चाकू की नोक पर पड़ोस के ही युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर मोबाइल और चाकू छोड़कर भाग गया। आपको बता दें कि महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। तो हम कंप्लांट में हाँ। उसके बाद वो फोन काट दिए हाँ। उसके बाद 11 बजे मतलब फिर हमारी वाइफ ने फोन किया कि हमारे मतलब कुछ लोग हम घर में घुस आए हैं, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग? कितने लोग थे? एक लोग मतलब धीरे कौन मिश्रा। अच्छा, हाँ तो हाँ हाँ वाइफ ने पहचान लिया। अच्छा, तो पड़ोसी आपकी क्या क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं क्या? हमारी वाइफ है सर। BDC हैं वो? जी जी। उन्हीं के साथ हाँ चाकू की नोक पे हाँ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जबरदस्ती छीना झपटी मतलब सर वही हुआ। मतलब क्या जबरदस्ती, किस तरह की? दुष्कर्म करने की कोशिश की। दुष्कर्म करने का प्रयास? जी जी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो भी मतलब जब्ती हुई सर। प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन निभा नहीं पाती। कुछ ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आया, जहां उसके पति ने ही उसके साथ मारपीट की। आपको बता दें कि महिला का पति मारपीट मौके से करने के बाद फरार हो गया, और पीड़ित महिला ने पुलिस में भी शिकायत की लेकिन कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं की गई। पीड़िता ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। अभी मैं अपने मेरे पति ने मुझे मारा पीटा, मैं यहाँ पर कोर्ट में न्याय मांगने आई तो वो यहाँ पर आके मुझे जान से मारने की धमकी दिया, मुझे मारा यहाँ पर। क्या नाम है पति का? ऋषि कल्प। तो पुलिस की सुरक्षा यहाँ नहीं थी? कुछ नहीं है, सब बर्बाद है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ नाम के ये सब लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, कुछ नहीं है यहाँ पर, बंद करो ये सब यहाँ पर, सब ऐसी गांधागर्दी मची हुई है यहाँ। जब कोर्ट के अंदर मेरी सुरक्षा नहीं तो बाहर क्या होगी। रायबरेली में गांव के पास नहर में एक युवक का शव बरामद हुआ है। नहर में शव मिलने की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। शव को देखकर वहां पर हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें कि दो बाइक की आमने सामने हुई टक्कर के बाद सड़क पर गिरे दोनों लोग घायल हो गए हैं। युवक पर चढ़ी रोडवेज बस के चक्कर से मौके पर दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। वहीं जैसी ही सूचना आसपास के गांव वालों को मिली, ग्रामीणों की वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत बजट में कुशीनगर को रेल लाइन से जोड़ने की घोषणा की गई थी। इसके बाद से क्षेत्रवासियों ने खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों में काफी लंबे समय से रेलवे की मांग करते चले आ रहे थे, अब बजट की इसके बाद से क्षेत्रवासियों ने खुशी की लहर दौड़ गई है लोगों में काफी लंबे समय से रेलवे की मांग करते चले आ रहे थे अब बजट की घोषणा होने के बाद लोगों के उम्मीद को पंख लग
सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि कुशीनगर बिहार से सटा हुआ इलाका, संभावनाएं हैं, आने जाने की समस्या बनी रहती है, पूर्वांचल का पिछड़ा इलाका होने के कारण प्रधानमंत्री जी इस पहले यहाँ स्थानीय जनता की तरफ से उनका साधुवाद प्रणाम आभार व्यक्त करते हैं। अगर रेलवे के लिए जो धन जारी किया है केंद्र सरकार, चूँकि यह जो ट्रामा सेंटर की लाइन है जो सरदार नगर से चल करके और ये देवरिया जिले के अंतिम छोर और कुशीनगर के अंतिम छोर ये से होकर आती है, अगर इन ग्रामीण अंचलों में स्टेशन की व्यवस्था होगी तो निश्चित है वहाँ लोगों को काफ़ी रोजगार मिलेगा और रोजगार के साथ साथ यहाँ का विकास काफ़ी तेजी से बढ़ेगा। गोरखपुर और कुशीनगर परौना ये लगभग 64 किलोमीटर परियोजना है 1467 करोड़ की। 2019 से ही लगातार मैंने सदन में भी उठाया और इस परियोजना के लिए हमारे माननीय रेल मंत्री जी थे, माननीय पीयूष गोयल जी, उनको पत्र लिखे थे जिसका मैंने भी पत्र दिया था। तो उस पर 665 करोड़ रुपया लगना है और उसके लिए जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो योजना 2019 में बनाई गई थी और इसके लिए 1 करोड़ रुपया आवंटित भी हुआ था, उसके जगदीश जी ने इस बार 10 करोड़ का आवंटन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका और आगे मैं यही उनसे। कानपुर में इंजीनियर और पीएचडी की डिग्री को हासिल करने के बाद भी लोग अपराध जैसी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। इन अपराधियों ने कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि देशद्रोह यानी नकली भारतीय मुद्रा को छापने का अपराध किया है। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर हो पुलिस की गिरफ्त में से बच नहीं सकता है। कमिश्नरेट पुलिस ने ऐसा ही एक भारतीय मुद्रा छापने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसके पास से पुलिस ने नकली भारतीय करेंसी बरामद की। 59,000 के फेक करेंसी नोट्स बरामद हुए हैं तथा 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये तीनों अभियुक्त अत्यंत ही सुशिक्षित है, एक पीएचडी है, एक बीटेक है तथा एक ग्रेजुएट है। इनके द्वारा पूछताछ में ये अवगत कराया है कि इनके द्वारा स्वयं ही ये करेंसी नोट्स प्रिंट किए जाते थे। करेंसी नोट्स को देखने के बाद जो फीचर्स असली करेंसी नोट्स में होते हैं अधिक से अधिक फीचर्स उसमें डालने का इनके द्वारा प्रयास किया गया है। हरदोई में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। आपको बता दें कि यहाँ शादी के बाद अचानक दूल्हा दुल्हन को छोड़कर गायब हो गया। इसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, वहीं पुलिस की टीम जल्द ही लापता युवक को तलाश कर घर वालों को सौंप देगी। थाने पे थाने हमारे भतीजो सवेरे तेरे भाई को ढूंढते हैं पर नहीं मिलती, तब थाने में आए हैं रिपोर्ट देने। गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गाड़ियों की बैटरी चोरी करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चोरी की गई 31 अलग अलग गाड़ियों की बैटरी भी बरामद कर ली गई है। साथ ही गिरफ्तार बदमाशों से एक केटीएम बाइक और चोरी की घटना में इस्तेमाल की जा रही इको कार भी बरामद की गई। अभियुक्तों को थाना टॉर्निका सिटी पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से जो 3 अभियुक्त हैं इनके पास से 31 चोरी की बैटरियां बरामद की गई हैं, साथ ही साथ एक KTM बाइक बरामद की गई है, एक इको गाड़ी बरामद की गई है और एक ड्यूट स्कूटी बरामद की गई है, साथ ही साथ 2 फर्जी नंबर प्लेट भी इनके पास से मिले हैं। ये अभ्यस्त चोर हैं और इनके खिलाफ दिल्ली में लगभग 9 मुकदमे पंजीकृत भी हैं, इसमें से एक अपराधी के खिलाफ, और एक ये अच्छा गैंग इन थाना टॉर्निका सिटी की पुलिस ने पकड़ा है और इनको पकड़ के जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने समय से इस काम को किया करते थे और सर इनका किस तरीके से अंजाम दिया? फरीदाबाद में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में चोरी का मामला सामने आया। मामला बादशाह खान अस्पताल का है जहाँ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से चोर एक दूध टेस्टिंग की मशीन, AC और अन्य कीमती सामान चुरा कर फरार हो गए हैं। अस्पताल में हुई इस चोरी की वारदात से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया, वही पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल सही रखा हुआ था, AC यहाँ बिल्कुल लगा हुआ था और दूध टेस्ट करने की एक मशीन थी वो भी लगी हुई थी और सारा सामान बिल्कुल हम वो ऑफिस बंद करके गए थे 5:15 बजे करीब, 5 बजे 5:15 बजे और उसके बाद में सवेरे हमारे जो है 9:30 बजे के करीब है हमारा जो है
हेल्पर है यहाँ पर सवेरे ऑफिस खोलता है, तो जब वो ऑफिस खोलने के लिए आया सवेरे पौने नौ, तो बाहर का जो ताला है वो टूटा हुआ था और ये गेट खुला हुआ था। उसने जैसे ही देखा कि इसने पहले मतलब कैसे ये टूटा हुआ कैसे। बांदा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आंगनवाड़ी कार्यालय पहुंची, कार्यकर्त्रियों की नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने के संबंध में रोष व्यक्त किया और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। बता दें कि करीब एक साल पहले पूरे प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती निकाली थी, जिसकी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और उनके चयन भी हो गया था। अब नियुक्ति पत्र को लेकर तारीख पर तारीख दी जा रही है, जिसकी वजह से वहां पर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता काफी परेशान हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यालय भी पहुंचे पाए हैं, हम लोग को तीन तीन कॉले गई और मैसेज गया और कि आपको यहाँ सुबह उपस्थित होना है। हम लोग आए, बड़ी मुश्किल से आए, कोई बच्चे छोड़ कर आई हैं छोटे छोटे चार चार महीने के, इसके जिम्मेदार कौन है, किस मुसीबत से आए हम लोग, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कुछ हमारे साथ दुर्घटना हुई जा रही है, तो इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है, हम लोग क्या जवाब देंगे। तो यहाँ आके क्या पता चला आप लोगों को? बस यहाँ पर ये पता चला कि आज नहीं नियुक्ति पत्र, अगले जब बटेगा तब आपको बताया जाएगा। क्या सूचना नहीं मिली थी आपने? नहीं, कोई सूचना नहीं। औरैया में पुरानी रंजिश के चलते शोक सभा में शामिल होने जा रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी के एक साथी को ग्रामीणों ने घेर कर मौत के घाट उतार दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पूरी घटना सदर कोतवाली के भीखापुर की है, तो वहीं पुलिस ने पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों पक्ष 13वीं के कार्यक्रम में इन्वाइटेड थे, दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं, आसपास सभी के घर हैं, पूर्व के रंजिश के चलते और शराब पीकर जो भी लड़ाई हुई उसमें दो लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। एक जो रामवीर रजावत हैं उनको गोली लगी है, उनके पक्ष से 9 लोगों के ऊपर नामजद जो तहरीर मिली थी उसके आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है, और जो दूसरा व्यक्ति जिसको पहले गाँव वाले पहचानने से इनकार कर रहे थे। अलीगढ़ में एएमयू छात्रों ने हरियाणा के मंदसौर में हुई मुस्लिम युवकों की हत्या के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, साथ ही महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित कर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। छात्रों ने मांग की है कि हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही परिवार के 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी और सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाएं। प्रोटेस्ट निकालने वाले छात्रों ने सरकारों के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। गाड़ी के अंदर जला के मार दिया गया, जिसमें 3 सरकार का मिली जुली भगत नज़र आती है, जिनकी सरकार है हरियाणा, राजस्थान और मेवात के अंदर। और जिस तरह से ये घटना को आम कर दिया गया दिन ब दिन, क्योंकि वहाँ कम होने की जगह दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें देखा जा रहा है कि पुलिस का जिस तरह का रोल वहाँ की पुलिसों को नज़र आया अब तक, ना तो FIR लॉन्च करना, ना ही उनके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाना, ना इंसाफ देना, तो ये बढ़ते कदम को रोकने के लिए एक प्रोटेस्ट था। और 2 लड़कों के लिए जो जवान लड़के थे जो 30 साल के 35 साल की उम्र में, जो उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली को मतलब किस तरह से सब्र करें कि वो जवान बच्चों को खो दिया, वो भी जल के जिस तरह से मारा गया है। जो कुछ स्टूडेंट हैं हमारे, उन्होंने एक हरियाणा में जो घटना हुई है उसको लेकर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है। उन्होंने दिए कि इसमें जो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए उनको जो इसमें इन्वॉल्व है, और जो लॉ है उसको वो पूरी तरह से इन्फोर्स हो। जी आप देख रहे हैं कि इस देश में पिछले कई सालों से, जब से ये गवर्नमेंट में सरकार BJP की गवर्नमेंट आई है, तब से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और अभी हाल फिलहाल में जिस ब्रूटैलिटी के साथ जो 2 लोगों की हत्याएँ की गई, आप देखिए जुनैद और नासिर, वो उनमें से जुनैद जो लड़का है उसके 6 औलाद हैं और उसके एक बड़ा भाई है, वो उसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब है, उसकी 7 औलादें हैं। अब बताइए कि ये 2 हत्याएं नहीं हैं, ये आप 2 फैमिलीज़ की हत्याएं हैं, और इनके पीछे ना जाने उनके औलादों का कौन देखेगा। आए दिन आप लोग देख रहे हैं हरियाणा में हो क्या रहा है, और उसका एक हरियाणा राजस्थान का एक छोटा सा इलाका मेवात, उसमें होता क्या है कि एक कोई भी एक गाय का नाम दे देते हैं उसका कह के उस किसी भी लड़के को उसकी जान उससे जान से खेल जाते हैं। अभी रिसेंटली जो अभी हुआ है उसमें क्या हुआ था कि 2 लड़के हैं जुनैद और नासिर, उनको उठाया जाता है बाकायदा, उनसे बुला करके फ़ोन करके उनके दोस्तों से फ़ोन करा के उनको बुलाया जाता है, और उनको उठा करके उन्हीं की गाड़ी में उनको ले जाया जाता है, पुलिस इनका साथ देती है, ले जाने के बाद ये इनको पीटते हैं।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।